सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस मुंबई पुलिस से पटना पुलिस को ट्रांसफर हुआ है, तब से रोज इस केस में कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का कहना है कि उन्होंने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनके बेटे की जान खतरे में है और मुंबई पुलिस ने इस पे कोई कार्यवाही नहीं करी थी। और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली का ये कहना है कि उन्होंने एक रिटन कंप्लेन दर्ज करवाई थी। तो आज हम जानते हैं इसी कंप्लेन के बारे में। सुशांत के पिता के इस बयान के बाद मुंबई पुलिस ने कल अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आई है। लेकिन हाँ, सुशांत के ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह का एक बार उनके पास मैसेज जरूर आया था। मुंबई पुलिस ने ओपी सिंह को जवाब देते हुए कहा था कि बिना किसी रिटन कंप्लेन के इस पर वो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, रिटन कंप्लेन जरूरी है। इसके बाद सिंह चाहते थे कि ये मामला अनऑफिशियली ही रिजॉल्व किया जाए, इस पर कंप्लेन ना दर्ज हो। ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से अपने हाथ धो रही है। वैसे सुशांत सिंह राजपूत एक पब्लिक फिगर है, तो अगर उनके लिए ये खबर आती है कहीं से कि उनकी जान को खतरा है, तो एक बार इंक्वायरी तो जरूर करनी चाहिए थी पुलिस को। लेकिन अगर पुलिस कुछ और जानती है तो उसे अभी सब सामने लाना चाहिए, इस तरीके से केस से भागना नहीं चाहिए। मुंबई पुलिस पे भी बहुत आरोप लग रहे हैं कि वो इस केस में कुछ छुपा रही है या ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करे हुए कम से कम 50 दिन से ऊपर हो रहा है। बहुत सारे लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट भी लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। रोज ये केस कोई नया मोड़ ले लेता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।